सारा से टूट के पड़ा, उसको क्या माना गया? सारा। समझा ना सभी को? अब इन इस तारे में क्या हुआ, इस तारे के छोटे छोटे भाग, अब ये टूटता रहा टूटता रहा, अब इनके भी छोटे छोटे भाग बनते गए। अब उन छोटे छोटे भाग को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रह बोल रहे हैं। अब ग्रह क्या करते हैं, क्यों ग्रह बोला गया इनको? क्योंकि ये इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना? कैसे घूमते हैं? कैसे? देखो, मान लो ये सबसे छोटा सा इसको बनाया, सबसे करीब है, इसको बुध ग्रह बोलेंगे। कौन सा ग्रह बोलेंगे? बुध ग्रह, मरकरी ग्रह, चमकीला तारा भी कह देते हैं इसको। ये क्या करता है, इसके चारों तरफ ऐसे 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 क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। समझा रहा है ना? चारों तरफ क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ग्रह मान लेते हैं। तो इसमें ये तारा है, और तारे के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको ग्रह मानते हैं, और ग्रह के चारों तरफ कोई चक्कर लगाएगा तो उसको उपग्रह बोला जाता है, ठीक है? तो सूर्य के कितने ग्रह हो गए, कितने हो गए आपको पता? सूर्य के कितने ग्रह है आपको? सूर्य के कितने ग्रह है? ये कौन सा ग्रह है सबसे करीब वाला? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरकरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरकरी। दीवार वाल पे लगा है, देखो बना वाला तुम्हें लगा है। ये क्या है? मरकरी। ये क्या है? ये है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। हम लोग तो ये मानते हैं ना कि जो देव दानवों के राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वही ग्रह का रूप ले लिए हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं, धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो दैत्य थे ना, दानवों के गुरु हुआ करते थे, शुक्राचार्य नाम कौन था, वही क्या किया ना कि शुक्र ग्रह का रूप ले लिए। समझा रहा है? तो ये कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र ग्रह, इंग्लिश में वीनस। और ये कौन सा ग्रह है? मरकरी। तीसरे नंबर पे देखो अर्थ, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? अर्थ है। तुम लोग देख रहे हो कि दोनों आपस में थोड़ा लंबाई का क्या है, बराबर है। तो पृथ्वी और शुक्र जो है, इनकी भी लंबाई क्या है? एक जैसे। दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, एक जैसे दिखते हैं दोनों। समझ रहे हैं ना? तो ये अर्थ है। जीवन कहाँ पे संभव है? अभी अर्थ पर ही संभव है। हम लोग इसी पर रहते हैं। हमारे ग्रह का क्या नाम है? और हिंदी में पृथ्वी। और क्या क्या बोलते हैं पृथ्वी को? और क्या क्या बोलते हैं पृथ्वी को? भूमि, वसुंधरा बोलते हैं ना। तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी। तीसरा ग्रह। कितने ग्रह हुए? तीन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, वीनस, अर्थ। चौथे नंबर पर देखो आता है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। लाल रंग का पूरा लाल चमकाने के लिए है, पूरी लाल एकदम। कौन सा ग्रह ये? मंगल ग्रह। एक बार तुम लोग फिल्म दिखाया गया था, याद है उसे? मिशन मंगल देखे थे ना तुम लोग? वही मंगल ग्रह है। समझा रहे हैं? कौन सा ग्रह हो गया ये? क्रम से बता रहे हैं। सबसे करीब कौन सा है? उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? अब देखो कौन आ गया? जुपिटर। सबसे बड़ा दिख रहा है ये? हाइट में सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। देख रहे हो, हमारे दिनों के नाम भी इसी पे पड़े हुए हैं। शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार है ना, बुधवार। आप देखो ये कौन सा है? शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? चौथे नंबर पे है ये। ये है, इसके चौथे नंबर पे है। चौथे छठवे पे है। और इसके चारों तरफ गैस के क्या है? छल्ले बने होते हैं। तुम लोग चित्र बनाया उसको देख रहे हो ना, छल्ला बना हुआ है, ठीक है? आखिरी में ये दो प्लेनेट कौन से बच रहे हैं हमारे? अरुण और अरुण। अरुण और दिख रहा है अरुण अरुण। देखो यहाँ पे आ गया अरुण और अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। कितने ग्रह हो गए ये? आठ ग्रह। तुम लोगों ने कोई बताएगा कि सबसे ज्यादा इसमें से उपग्रह किसके पास है? बताया गया तुम्हें, बताओ। बृहस्पति। बृहस्पति पास कितने हैं? तुम्हारी किताब में कितना दिया है? गलत दिया है ना किताब में, तो गलत दिया है ना तुम्हारे छह वाली किताब में, गलत दिया था ना। सबसे तुम्हारे छह वाली किताब में दिया है कि सबसे अधिक किसका है? बृहस्पति का है। लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और कह देते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह भी किसके है? किसी के है। और किताब में भी यही दिया है, लेकिन पिछले चार साल में जो वैज्ञानिक है
और बहुत सारे ग्रह खुले हैं और ये पता चला है कि बृहस्पति के कुल कितने ग्रह हैं? 80 और शनि के कितने ग्रह हैं? 82। तो अभी सबसे अधिक ग्रह किसके पास है? शनि की, शनि के पास है, मंगल है ना। तो ये सब लोग ध्यान में बताया था कि तुम लोग को कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि, शनि के पास, सैटर्न के पास है। अभी भी और खुलते जा रहे हैं लोग, आगे पीछे और बड़ा बड़े या बेहतर, लेकिन फिलहाल अभी क्या है किसके पास सबसे अधिक प्लैनेट ग्रह ग्रह है? शनि के पास। और दूसरे नंबर पे बृहस्पति, बृहस्पति के पास। तो सबको समझा रहा है ना, कितने ग्रह है यहाँ पे? और सबके केंद्र में कौन है? सूर्य है। ये लोग क्या करते हैं सूर्य के चारों तरफ? चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो एक साल बीतता है, समझ रहे हैं ना, एक साल हो जाएगा। एक चक्कर लगाएंगे तो एक साल, दो चक्कर लगाएंगे तो दो साल। तुम लोग यहाँ बैठे हो तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है कि बैठी हुई है पृथ्वी? मान लो कि आराम करने लगे तुम लोग के साथ, तुम्हें लोग की तरफ क्या होगा? सब लोग गिर जाओगे, चले जाओगे अंतरिक्ष में उड़ के। समझा रहा है ना, एक धक्का लगेगा। जब बस रुकती है तो क्या होता है? धक्का लगने लगता है। बस में बैठे हो, एक बैग ब्रेक मारता है बस, तो बस में क्या होता है? सब लोग आगे की तरफ गिरते हो, पृथ्वी एक बैग रुकेगी ना, सब लोग उड़ के चले जाओगे अंतरिक्ष में। इसलिए पृथ्वी लगातार क्या होती है? अपने एक्सिस में भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक है, तो सब लोग चले जाओ, पृथ्वी पर बैग आया, जाओ जाओ जाओ। देखो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जुपिटर के कितने थे? 82, सॉरी जुपिटर के 80, और शनि के कितने थे? 82। किताब में कितना दिया था? 69 वाक्य दिया था, कुछ ऐसे 69। ये है हमारा पृथ्वी, समझ है। और पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? एक नेचुरल एक है, आर्टिफिशियल बहुत सारे, आर्टिफिशियल हम लोग बहुत सारे बना के छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ये जो इंटरनेट भी चल रहा है हम लोग का, ये भी एक सेटेलाइट से ही चल रहा है, उपग्रह से ही चल रहा है, लेकिन ये हम लोग क्या किए हैं? अपने से बना के रॉकेट से छोड़े हैं। लेकिन भगवान का दिया हुआ कितना है इसके पास? एक। नेचुरल कितना है? एक। इसका क्या नाम है? चंद्रमा, चंद्रमा मून, चंद्रमा या मून, जिसको हम लोग चंद्रमा बाबा भी कहते हैं, समझा रहे ना। हम लोग बचपन में क्या कहते थे चंद्रमा को? चंद्रमा बाबा। और किसी को बहुत सुंदर अगर औरत मिल जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरी औरत चांद जैसी है। किसी जैसी है? चांद जैसी है। लेकिन उनको पता नहीं है कि चांद की जो सतह होती है वो काफी खुरदुरी होती है। देखिए वो नहीं फुटवा रही है, चांद की जो सतह होती है वो बीच बीच में क्या होता है? गड्ढा जैसे होता है। तो ये बताओ कि किसी की अगर नई नई वाइफ है काफी सुंदर है, उसके चेहरे पे गड्ढा होता है? नहीं होता है ना। तो ये लोग काली फालतू का बोलते हैं, जानते होते कुछ नहीं है साइंस में, क्यों कहेंगे कि मेरी बीवी चांद जैसी दिख रही है, बोलते हैं ना। तो चांद की सतह कैसी है? गड्ढे जैसी, ठीक है। अरे भाई अब देखो देख के आप समझना हम लोग को कि अभी यहाँ पे इतना बताने का मतलब क्या है। अभी तुम लोग सुनने हो ना कि आज क्या होने वाला है? चंद्रयान 3 का नाम सुन रहे हो तुम लोग। तो कोई चंद्रयान 1 और 2 के बारे में जानता है? चंद्रयान 3 कहां से आ गया? फिल्म देखते हो तो पहले पहला पार्ट आता है, फिर दूसरा पार्ट आता है, फिर तीसरा पार्ट आता है। तो भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 को छोड़ा था। और क्यों छोड़ा गया था? ताकि जाके पता लगाए कि चांद पे क्या क्या चीज है, चांद पर पानी वानी है कि नहीं, हमारे जैसे कोई रहने वाले है कि नहीं। तो जब वहां पर वो लोग गए चंद्रयान 1 वाले, तो वहां पता चला कि वहां पे मून पे क्या मिला इन लोगों को? बर्फ मिला। क्या मिला? पानी मिला। और एक क्वेश्चन आता है कि चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला देश कौन सा है? भारत। तो बोलोगे भारत। चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला देश कौन सा है? भारत। किसी भी ग्रह पर रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? भारत। भारत। किसी भी जगह पे रहना है तुमको तो सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? पानी। पानी और हवा, समझा रहा है ना। ये नहीं रहेगा तो तुम जीवन तुम्हारा खत्म। सबसे जरूरी चीज है हवा। तो जो लोग जाके वहां पे क्या ढूंढते हैं कि हवा मिल जाए, पानी मिल जाए। अगर हमारा प्लेनेट बर्बाद होगा तो हम लोग कहाँ रहने चले जाएंगे? चांद पे रहने चले जाएंगे। तो इसी को पता लगाने के लिए अलग अलग देश वाले अपना अपना क्या छोड़ते हैं, जैसे चंद्रयान कोई छोड़ दिया, कोई लूना छोड़ दिया, कोई अपोलो छोड़ दिया। अलग अलग देश वाले क्या करते हैं, यान बना के छोड़ते हैं। वहां कैमरा वगैरह लगा के उसको भेज देंगे, एक रोबोट छोड़ देंगे। वो रोबोट क्या करेगा ना, पूरा घूम घूम के फोटो लेता है, पूरा घूम घूम के चांद पे क्या करेगा, फोटो लेगा, पता लगाएगा कि कहाँ पानी है, कहाँ हवा है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो भारत ने सबसे पहले क्या छोड़ा था?
चंद्रयान वन। फिर अभी देखो, दो साल पहले 2019 में चंद्रयान टू छोड़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में जो लैंडिंग हो रही थी, मतलब जब चांद की सतह पर उतरने वाला था, तो वहां पर क्या हो गया, क्रैश कर गया। फिर ये तीसरी बार कोशिश की जा रही है। उस बार देखो देखो पेपर देखो कि बहुत रो रहे थे, जो हमारे साइंटिस्ट है रो रहे थे, और नरेंद्र मोदी जाके गले में मिलकर उनको चुप चुप करा रहे थे कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश किया जाएगा। तो फिर ये कोशिश अभी तुम्हें सुने वगैरह कि भारत ने चंद्रयान छोड़ा है, दो महीने पहले सुने थे तुम लोग, अरे जुलाई में सुने थे कि चंद्रयान भारत ने छोड़ा है, रॉकेट निकला है, वही आज पहुंचने वाला है। और सरकार का आदेश हुआ है कि आज बच्चों को 5:15 बजे से लेके और 6:15 बजे तक स्कूल बुला के उनको किसी भी तरीके से, चाहे मोबाइल को दिखा दीजिए, मतलब वो लैंड करेगा ना, तो वहाँ पूरा फोटो वोटो बन के आएगा, पूरा वीडियो बनेगा वहाँ, उसी वीडियो को क्या करना है, बच्चों को दिखाना है कि कैसे वो सैटेलाइट वहाँ पहुंचा है, कैसे चंद्रयान 3 उतर रहा है, कैसे वो रोबोट फोटो खींच रहा है, और वो फोटो आप लोग के पास क्या करना है, मोबाइल से या जिस भी तरीके से या टीवी जो भी माध्यम रहेगा उससे बच्चों को क्या करना है, दिखाना है। ये चीज है 5:15 बजे से 6:15 बजे तक, यही आदेश हुआ है। तो पहले तुम लोग इसके बारे में जानोगे नहीं तो क्या करोगे, कुछ नहीं जान पाओगे, समझ रहे हैं ना। अब ये बताइए मैडम, क्या